हाँ दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम विनय है और मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट आगरा से। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज मैं काफी टाइम के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है सैमसंग के ऊपर। जिन भाइयों को सैमसंग के फोन रिपेयर करते हैं, जो भाई सैमसंग एंड्रॉयड को फ्लैश करते हैं, फ्लैश करने में क्या प्रॉब्लम आती है, उनको प्रॉब्लम आती है, वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो पूरी देखना है। और उन भाइयों के लिए वीडियो है जिन भाइयों को रिपेयर करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई थिंक मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तो प्लीज वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 100% आपको रिपेयरिंग आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्लीज सैमसंग के जितने भी सारे आपके एंड्रॉयड फोन आते हैं, कोई सर्विस, चाहे ए सीरीज हो या आपकी एम सीरीज हो या आपकी एस सीरीज हो, कोई भी सीधी सीरीज हो, उसको रिपेयर कैसे करना, यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डालने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट कुछ हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नंबर एक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर एक आपको आपको सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर आपको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना आपको प्रॉपर समझाएंगे। नंबर दोस्तों नंबर सेकेंड क्या है, स्टॉक रूम, यानी कि सैमसंग की जो स्टॉक रूम होती है वो हमें कौन सी फाइल चाहिए, हमें कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, हमारा फोन कब फ्लैश होता है कब फ्लैश नहीं होता है आपको प्रॉपर समझाएंगे आपको, ठीक है। नंबर हम थर्ड बात करते हैं ओडिन टूल। दोस्तों तीन चीज आपको चाहिए, एक आपको सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर चाहिए, नंबर दो आपको स्टॉक रूम चाहिए, नंबर तीन चाहिए आपको ओडिन टूल। दोस्तों तीन चीज आपको चाहिए सैमसंग से किसी भी सैमसंग के फोन को फ्लैश करने के लिए। दोस्तों कैसे आपको फ्लैश करना है मैं आपको प्रॉपर बताता हूं। तो सबसे पहले जाते हैं ये हमें डाउनलोड कैसे करना है, हमें डाउनलोड कैसे करना है और डाउनलोड करने के बाद ये सिस्टम के अंदर हमें कैसे रखना है। तो दोस्तों क्रोम पे जाते हैं अपन, ये अगर आपके पास कॉपी पेन है आप नोट कर सकते हैं, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर स्टॉक रूम एंड ओडिन टूल। ये स्टार्टिंग से दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे तो आप 100% समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो में लंबी होने वाली है और आपको प्रॉपर देखना है। तो मैं इसे क्रॉस करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, क्रोम पे जाना आपको और क्रोम पे यहाँ पे टाइप करना आपको सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, क्या टाइप करना आपको, SAMSUNG सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, ठीक है दोस्तों। जैसे आप टाइप करते हैं सैमसंग यूएसबी ड्राइवर, जैसे आप टाइप करते हैं तो सबसे पहली वाली साइट पर आपको क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है सैमसंग एंड्रॉइड यूएसबी ड्राइवर, आपको यहाँ पे डबल टैप करना ऊपर सबसे पहले। देखिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर आता है सैमसंग एंड्रॉइड यूएसबी ड्राइवर विंडोज 1.7.59, इसका क्या है वर्जन है जो सैमसंग टूल है, इसे डबल टैप करते हैं और इसे हम सिस्टम क्या करके डाउनलोड करते हैं। ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे दोस्तों आपका डाउनलोड होता है यहाँ पे आपको डबल टैप करते हैं इस तरीके से, ये देखो आपका डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यस करते हैं। यस करने के बाद फर्स्ट दोस्तों आपको वेट करना है थोड़ा सा, आपको यस करना है। तो दोस्तों आपको पहले सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउन करना है। यूएसबी ड्राइवर डाउन इसलिए करते हैं ताकि कोई सा भी फोन सैमसंग का पोर्ट बनाएगा, अगर आपका ड्राइवर सिस्टम के अंदर डाउनलोड नहीं है तो आपका पोर्ट नहीं बनाएगा। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, आपको नेक्स्ट करना है, आपको नेक्स्ट करना है, आपको दोस्तों ये सेटअप पहला सेटअप है, आपको आई थिंक पता हो गया होगा कि आपको क्रोम पे जाना, वहां पे लिखना है सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक बार फिर से टैप करते हैं, देखिए यहाँ पर ये दोस्तों भी आपका इंस्टॉल हो रहा है, ये कुछ टाइम बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे सेकंड हमें क्या चाहिए, स्टॉक रूम यानी कि सैमसंग की फ्लैश फाइल। अब दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक मेरा सैमसंग का मोबाइल है, एक सैमसंग का फोन है,
इसका मॉडल नंबर है A50, इसका जो मॉडल नंबर है A50 मॉडल नंबर है, और इसे में सॉफ्टवेयर डालना है। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर डालने की सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फोन का मॉडल नंबर, A50 मॉडल नंबर कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए। अब हमें करना क्या, सबसे पहले क्या करना है आपको, फोन करना है स्विच ऑफ। देखिए मैं आपको फोन स्विच ऑफ करता हूँ, पावर ऑफ करना है आपको। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है फोन में लॉक लगा होता है, कस्टमर को नहीं पता होता या हैंग ऑन लोगो है, तो अंदर जाके पता नहीं कर सकता है कि फोन का कैसे मॉडल पता करना है। तो देखिए दोस्तों, ये आई थिंक ये टूल हमारा, ये जो यूएसबी ड्राइव है ये हमारा डाउन इंस्टॉल हो रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों मुझे कैसे पता करना है। तो हमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें मॉडल नंबर फाइंड कैसे करने हैं सैमसंग के, आपको दिखा देता हूँ मैं, आइए। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, आपको सैमसंग के मॉडल नंबर पहचान करनी कैसे है, तो सबसे नंबर एक काम क्या करना है, नंबर एक तो यहां लिख लेते हैं मॉडल इंफॉर्मेशन, मॉडल की इंफॉर्मेशन कैसे गई दोस्तों। सबसे पहला नंबर एक क्या तरीका है कि अगर आपका लॉक पता है, अगर आपका लॉक पता है तो आप अबाउट में जाते हैं, यानी कि आप अबाउट में, यानी कि अबाउट के अंदर, अबाउट मतलब सेटिंग के अंदर, आप सेटिंग के अंदर जाके पता कर सकते हैं कि फोन का मॉडल नंबर क्या है। सेकेंड दोस्तों, दूसरा क्या है, आप तो एक कोड होता है *#0*#, इसको हम बोलते हैं टेस्ट मोड, क्या बोलते हैं टेस्ट मोड, जो फोन आता है वहां पर लिखा होता है सॉफ्टवेयर वर्जन। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर एक बार फोन को ऑन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट मोड पर कैसे पता करते हैं। नंबर तीन आपको पता करना है, एक दो और नंबर तीन पता कर सकते हैं डाउनलोड मोड पर, पता कर सकते हैं डाउनलोड मोड पर, पता कर सकते हैं कि हमारे फोन का मॉडल नंबर क्या है। नंबर चार दोस्तों पता कर सकते हैं आप रिकवरी मोड पर, रिकवरी मोड पर, मोड पर हम पता कर सकते हैं हमारा फोन का मॉडल नंबर क्या है। लेकिन दोस्तों क्या है, अब यहां पर आप पहुंच, अगर फोन का लॉक पता है तो यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर दोस्तों फोन का लॉक नहीं पता है तो आप यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसको छोड़ते हैं, हमारा कोड भी काम नहीं कर रहा है, हम इसको छोड़ते हैं। हमारा फोन डाउनलोड मोड पर आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है डाउनलोड मोड में मॉडल नंबर शो नहीं करता है, ओनली वहां पर बाइनरी वर्जन शो करता है, तो हम इसको भी छोड़ते हैं। दोस्तों फोन ले जाइए रिकवरी मोड पर, किस पे ले जाइए फोन को, रिकवरी मोड पर। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर इमरजेंसी कॉल भी जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोड डालते हैं *#0*#। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख के आता है एक वर्जन, लिख के आता है यहाँ पर वर्जन आपको दिख रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपका वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन शो करता है, यही आपका होता है फोन का मॉडल नंबर, यहाँ से पता हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A505DD, तो दोस्तों इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि मॉडल नंबर, मेन मॉडल नंबर क्या है। तो अभी दोस्तों प्रॉपर बताएंगे, तो आई थिंक इस तरीके से हम फोन का मॉडल नंबर पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब सेकेंड बात क्या है कि जितने भी आपके सैमसंग के फोन आते हैं दोस्तों, जितने भी आपके सैमसंग फोन आते हैं वो सारे फोन आपके डाउनलोड मोड फ्लैश होते हैं। अगर फोन आपका डाउनलोड मोड पर नहीं आ रहा तो आप उसे फ्लैश नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, नंबर एक हमारे फोन फ्लैश होते हैं किस पर, डाउनलोड मोड पर, डाउनलोड मोड। मोड दोस्तों बहुत प्रकार के आते हैं, रिकवरी आता है मोड, मेटा मोड आता है, ADB मोड आता है, NTP मोड आता है, डाउनलोड मोड आता है, फ्लैशिंग मोड आता है, बहुत सारे मोड आते हैं। तो चाहे जितने भी सैमसंग के आपके फोन होते हैं उनको हम डाउनलोड मोड पर फ्लैश करते हैं, किसे फ्लैश करते हैं उनको हम डाउनलोड मोड पर दोस्तों फोन को हम फ्लैश करते हैं। और कैसे लाते हैं डाउनलोड मोड पर बताता हूँ। तो नंबर एक जिन फोनों में होम की होती है, जैसे J2 हो गया, J5 हो गया, जैसे नेक्स्ट हो गया, इनमें होम की होती है, तो इनके दोस्तों क्या हम काम करते हैं, हम पावर बटन दबाते हैं, पावर और होम और वॉल्यूम माइनस की, पावर होम और वॉल्यूम माइनस की बटन दबाते हैं तो फोन दोस्तों आपका डाउन मोड पर आ जाता है। सेकंड दोस्तों जिनमें होम की नहीं होती है, जिनमें होम की, जैसे ये फोन है इसमें होम की नहीं है तो दोस्तों मुझे करना क्या है, उसमें हम वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस, यानी कि दोनों एक साथ, दोनों की को एक साथ दबाते हैं, दोनों एक साथ दबाते हैं, यानी कि इसमें क्या है आपका वॉल्यूम प्लस है और इसमें क्या है वॉल्यूम माइनस, दोनों बटनों के एक साथ बटन दबाते हैं तो फोन हमारा डाउनलोड मोड पर आ जाता है। कैसे आता है ये आपको दिखाएंगे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि फोन डाउनलोड कैसे आता है, यानी कि इसमें पावर होम और वॉल्यूम माइनस
और इसमें क्या है, जिनमें होम की होती है उनमें पावर होम वैल्यू माइनस, और जिसमें होम की नहीं होती उसमें वैल्यू प्लस वैल्यू माइनस दोनों सब बटन दबाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ से आपका डाउनलोड पे आ जाता है। कौन सी, जैसे आपका आईफोन होता है इसमें एक एक आपका पावर होता है, एक आपका होता है ये प्लस, एक आपका होता है यहाँ पर माइनस। तो आप इन दोनों की यानी इन दोनों की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका फोन डाउनलोड मोड पर आ जाता है, डाउनलोड मोड पर आपका आ जाता है दोनों की को। आगे दोस्तों करना क्या है, क्लीन करते हैं नंबर तीन जितने भी आपके सेट आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, देखो आपने आपने ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया है, देखिए यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, सेकेंड जो आपको करना है वो हमें करना है स्टॉक रोम। आपको दोस्तों मैंने पहले बताया कि हमें क्या चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए और दोस्तों सबसे पहले क्या चाहिए, सैमसंग यूज़ ड्राइवर और दूसरा क्या चाहिए, स्टॉक रोम। हम क्रोम पर जाते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, हम फोन को डाउनलोड इस पर लाते हैं रिकवरी मोड पर, क्योंकि हमें पता करना है इसका मॉडल नंबर क्या है। दोस्तों आप दोस्तों क्या है, आपको रिकवरी लाने के लिए हम क्या काम करना पड़ता है दोस्तों, कोई फोन आपका रिकवरी मोड पर लाने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, जितने भी आपके फोन आते हैं तो हमें रिकवरी पे कैसे लानी है। देखिए दोस्तों नंबर एक, रिकवरी पर लाना कैसे है, क्योंकि दोस्तों आप पता होता है सैमसंग जितने भी आपके मोबाइल हम फॉर्मेट करते हैं वो सारे रिकवरी मोड पर फॉर्मेट करते हैं, तो आपका फोन रीसेट का ऑप्शन आता है तो वहां पर आप फोन को बायोमेट्रिक रीसेट कर सकते हैं। कैसे लाना है, नंबर एक क्या काम करना है, पावर के साथ में वॉल्यूम प्लस वाले बटन दबाते हैं, पावर के साथ में वॉल्यूम प्लस, यानी दोस्तों ये हमारी पावर बटन है और इसके साथ में वॉल्यूम प्लस बटन दबाते हैं तो हमारा फोन रिकवरी मोड पर आता है। अगर दोस्तों इस तरीके से फोन आपका रिकवरी मोड पर नहीं आ रहा है तो क्या करना है दोस्तों, नंबर दो काम क्या करना है, आपको डाटा केबल लेनी, एक आपको इस प्रकार से दोस्तों आपको आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से यूएसबी केबल है आपको लेनी है, यूएसबी केबल लगानी है, यूएसबी केबल आपको लगानी है पीसी पर, यानी कि हमें लगाना है कंप्यूटर पर लगाना है, पीसी पर लगाकर वॉल्यूम प्लस और पावर एक साथ दबाते हैं यानी कि वॉल्यूम प्लस और पावर एक साथ दबाते हैं तो फोन दोस्तों रिकवरी मोड पर आ जाता है। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, हम मॉडल नंबर की पहचान कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, आपको शायद आप देख पा रहे होंगे हम लैपटॉप में डाटा केबल लगा रखी है। अब क्या काम करना है, पावर के साथ में बटन दबानी वॉल्यूम माइनस, तो दोस्तों इस प्रकार से फोन आपका स्विच ऑफ होता है, फिलहाल में आप देख पा रहे होंगे सही से, अभी नहीं आ रहा है, चलिए अब यहां पे ऐसे नहीं आ रहा, तो हम यहां से एक बार पावर बटन दबाते हैं, देखिए ये रिस्टार्ट हो गया। अब क्या करना है, आपको फोन को हमें पहले करना है स्विच ऑफ करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, फोन को हमें स्विच ऑफ करना है, देखिए दोस्तों आपको पता है जब भी फोन ऑन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने के लिए। दोस्तों मैं चाहता हूं अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट्स बना सकते हैं और मैं मुझे पता है आपको प्रॉपर तरीके रिपेयरिंग आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए हम क्या काम करना है, पहले हम फोन को दोस्तों यहां पर पावर बटन से एक बार ऑफ करते हैं, ऑफ कर लेते हैं पावर ऑफ। अब दोस्तों करना क्या है, तो हमें दोस्तों ये यहां बटन दबानी पावर और वॉल्यूम अप बटन दबाना एक साथ, क्योंकि हमें फोन लाना है रिकवरी मोड पर, पावर और वॉल्यूम अप। मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से, शायद आप देख पा रहे हो, जैसे ही सैमसंग लिख किया मैंने पावर पे छोड़ दिया है, आपको रखा दबा के और दोस्तों ये फोन आपका रिकवरी पे आ गया। देखिए दोस्तों ये फोन आपका आ गया रिकवरी पर, इसको दोस्तों बोलते हैं रिकवरी मोड, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं रिकवरी मोड बोलते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखना क्या है,
मैं आपको सर दिखा पा रहा हूँ, इसमें देखना क्या है, ये आपको देखना ये है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होता है A505, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है A505FDDS9। मैं आपको समझा देता हूँ कि रिकवरी मोड पर जो आपको ऑप्शन लिखा होता है A505DD9, इसको क्लीन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा रिकवरी, आपको एक सही मॉडल नंबर की पहचान करनी कैसे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है A505F, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है DDS9, और दोस्तों ये लिखा हुआ आपका CWA2। अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको पता करना है मॉडल नंबर क्या है। हमारा मॉडल नंबर दोस्तों है A505F। ये दोस्तों मेरा मॉडल नंबर है सैमसंग का A505F के है मॉडल नंबर। तो जब भी दोस्तों हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो हम A505F की फाइल को डाउनलोड करेंगे। लेकिन अब दोस्तों इसमें पता होना चाहिए बाइनरी वर्जन। अगर दोस्तों आपको बाइनरी वर्जन पता है तो भी फोन आप फ्लैश कर पाएंगे। अगर आपका बाइनरी वर्जन नहीं पता तो दोस्तों आप फोन को फ्लैश प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे आप। तो दोस्तों कैसे पता करना है, एक आप एग्जांपल बताते हैं कि अगर आप यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो दोस्तों नौवें नंबर पर होता है ना, नौवें नंबर पर, ये फोन का होता है बाइनरी वर्जन। ये फोन का होता है बाइनरी वर्जन। अगर आप यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो जो लास्ट के जो पांच नंबर होते हैं वो क्या होता है, फोन का बाइनरी वर्जन। क्या होता है, फोन का बाइनरी वर्जन। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। पहले देखिए दोस्त, ये दोस्तों क्या है, ये इसको दोस्तों बोलते हैं मॉडल नंबर। क्या दोस्तों बोलते हैं, मॉडल नंबर। यानी कि जब भी दोस्तों हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है तो हमें A505F की फ्लैश फाइल चाहिए, A505F की फ्लैश फाइल चाहिए। आप दोस्तों समझ पा रहे हैं, A505F की फ्लैश फाइल चाहिए आपको। सेकंड दोस्तों आपका आता है DD। ये दोस्तों कंट्री बहुत टाइप से आती है, लेकिन हमें जो लैंग्वेज है यहाँ पर, यहाँ जो कंट्री, इसको बोलते हैं कंट्री। यानी कि जो हमारी इंडियन जो कंट्री होती है, या डीडी होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डीडी हो सकता है, या दोस्तों यहाँ पर XX भी हो सकता है। डीडी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर XX भी हो सकता है। ये दोस्तों मेरी होती है कंट्री होती है, जिसे हम कंट्री करते हैं कंट्री के द्वारा। सेकेंड दोस्तों आपका आता है ये दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये होगा, आपका कंट्री हो गया। ये दोस्तों आपका होता है फोन का बाइनरी वर्जन। क्या होता है दोस्तों, फोन का बाइनरी वर्जन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बूटलोडर वर्जन। इसको हम दोस्तों बोलते हैं बूटलोडर वर्जन। क्या दोस्तों बोलते हैं, बूटलोडर वर्जन। दोस्तों जब भी आपको फोन को फ्लैश करना है तो हमेशा आपको ये पता करना है कि फोन का बाइनरी वर्जन क्या है। अगर आपको दोस्तों बाइनरी वर्जन नहीं पता होगा तो हम फोन को फ्लैश नहीं कर पाते हैं। फिर दोस्तों आप यहां लिखा हुआ है CWA2। दोस्तों ये क्या होता है, ये डेट टाइम होता है कि कब फोन फाइल कितने, उसका वर्जन अपडेट हुआ है, कब इसकी डेट आई है, कब इसकी फाइल लॉन्च की गई है, कितने तारीख को फाइल बनाई गई है, तो उसका ये हिसाब होता है, CWA2 का हिसाब होता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी प्रॉपर चाहिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जानकारी प्रॉपर चाहिए दोस्तों, आप हाईटेक इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर बताऊंगा अगर मेरे पास टाइम मिला दोस्तों। मैं इसके बारे में एक वीडियो आपको पूरी बना के दूंगा कि हम कैसे पता करते हैं सी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, और टू का मतलब क्या होता है, किस डेट को फाइल आई है, किस सन फाइल आई है, वो आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। तो ये क्या है, आपकी एक डेट होती है, डेट एंड हम कह सकते हैं डेट एंड टाइम होता है कि हम कब ये फाइल हमारी आई थी, कितने बार फाइल आपकी अपडेट हुई है, कितना ओएस इसका है, वो सब आपको यहाँ पर ओएस भी आपका आता है, ओएस कितने ओएस में आपकी फाइल आपकी अपडेट हुई है, कितने बार अपडेट हो चुकी है, ऐसा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम आप बात करते हैं, तो आपको कॉपी पे लिख लीजिए दोस्तों कि ये आपका मॉडल नंबर होता है, ये आपकी कंट्री होती है, और ये आपका होता है बाइनरी वर्जन होता है, और ये आपकी होती है डेट टाइम एंड ओएस कितने बार अपडेट हो चुका है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर S9 की। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं S9 की, तो यहाँ दोस्तों बाइनरी वर्जन कैसे कह सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दोस्तों देखिए, हमारा जो बाइनरी वर्जन दोस्तों स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका U0, फिर U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9 एंड UA और आता है दोस्तों UB, यानी कि जहां 10 होता है वर्जन वहां पर A होता है, यानी कि A हम बराबर कह सकते हैं 10। यहां दोस्तों आपके अंदर आएंगे S1, फिर S2, फिर S3, फिर S4, फिर S5, S6, S7, S8, S9, SA एंड SB। ये दोस्तों आपके चलते हैं बाइनरी वर्जन। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूं कि जब भी हम फोन को फ्लैश करते हैं हमेशा चेक करते हैं कि फोन का बाइनरी वर्जन क्या है। अब दोस्तों बहुत से कस्टमर फोन करते हैं, सर मुझे ये नहीं पता है कि भैया फोन फ्लैश नहीं हो रहा है, ये फोन फ्लैश कर रहे थे बीच में डेड हो गया। अगर आपने गलती से गलत फाइल चला दी फोन आपका 100% दोस्तों फोन आपका डेड नहीं होगा, तो 100% दोस्तों उसमें कायस फर्मवेयर अपडेट का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोबारा फोन को फ्रेश करना पड़ सकता है या फोन को दोबारा उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, मैं बता सकता हूँ कैसे कैसे करना होता है। दोस्तों यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, देखो दोस्तों अब क्या है, अगर मान ले मेरे फोन का बाइनरी वर्जन है S9, क्या है S9 बाइनरी वर्जन है मेरे फोन का। दोस्तों इसके अंदर या तो आप S10 की फाइल चला सकते हैं या आप SB की फाइल चला सकते हैं या U9 चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी S8 या U8 या S7 या ये वाली फाइल काम नहीं करती। अब हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, नंबर एक सेम बाइनरी काम करता है फोन के अंदर, सेम बाइनरी काम करेगा या अथवा अपडेट बाइनरी समझते हैं अपडेट क्या होता है, अपडेट बाइनरी काम करता है। यानी दोस्तों अगर मेरे पास कोई किसी मॉडल की S4 है तो हम उसमें ये वाली फाइल चला सकते हैं, ये चला सकते हैं ये वाली फाइल दोस्तों, ये फाइल ले चला सकते हैं, या ये फाइल हम ये चला सकते हैं, ये वाली इसके अंदर फाइल को चला सकते हैं, इसको बोलते हैं सेम बाइनरी। तो मेरे ख्याल से आपको पता हो गया कि फोन का बाइनरी वर्जन कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्लैश फाइल की, तो इसका जो दोस्तों बाइनरी वर्जन था वो था S9। तो दोस्तों हम क्रॉम पे जाते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसकी खींच लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो हम यहाँ पर एक क्रॉस करते हैं, देख दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्रोम पे जाएंगे दोस्तों, अब हमें चाहिए फोन की फ्लैश फाइल, क्या चाहिए हमें दोस्तों फोन की चाहिए फ्लैश फाइल। अब फ्लैश फाइल डाउनलोड कैसे करनी है आपको यहाँ जाना है, इसलिए बेस्ट वेबसाइट दोस्तों SAMFW दोस्तों यहाँ पे साइड है, इसको हम यहाँ पे एंटर मारते हैं और एंटर मारने के बाद दोस्तों ये हमारी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाती है, यानी कि SAMFW इज द बेस्ट साइट है सैमसंग की फर्मवेयर के हम डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आपको टाइप करना है यहाँ पर A505F। देखिए दोस्तों अब आपको ध्यान देना, बहुत से बच्चे या बहुत से भाई हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या ले आ रहा है SM A505F A50, SM A505FM ये भी A50 है, ये भी आपका SM A505FN। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, वो कहते हैं A505F की फाइल डाउनलोड करो, तो ये वाली फाइल डाउनलोड कर, हमें क्या करना है दोस्तों में सबसे ऊपर वाली A505F की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। देखिए दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं आप नीचे आते हैं, नीचे जैसे आप क्लिक कर नीचे आते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ दोस्तों बहुत सारी आपकी कंट्री आएगी, क्या कि बहुत सारी आपकी कंट्री आती है, इस कंट्री हमें क्या लेनी है इंडिया, क्या लेनी है आपकी, मेरा इंडिया है तो इंडिया में लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से थोड़ा नीचे आते हैं, अब देखिए दोस्तों अब यहां पर आपका आकर देखिए, आपको मैं बताता हूं कि जो मेरे फोन का जो बाइनरी वर्जन था वो क्या था, S9, वो बटन था S9 था। अब देखिए दोस्तों हमें जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है वो हमें चाहिए ये वाली फाइल S9, यहां लिखा S9 U9। तो दोस्तों ये वाली फाइल काम करेगी, ये वाली फाइल काम करेगी, ये वाली काम करेगी, ये काम करेगी, ये भी काम करेगी, और मैं थोड़ा सा दोस्तों बड़ा कर देता हूं, सॉरी हाँ मैं आपको दिखाने की दोस्तों कोशिश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों मेरी जो फ्लैश फाइल है वो है यहाँ पे थोड़ी नीचे आते हैं S9, ये वाली S9, यानी कि दोस्तों यही फाइल आपकी काम करेगी। अगर ये हम देख पा रहे हैं, आप देख पा ध्यान देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है S9, ये क्या लिखा हुआ है, S9 लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ S9।
तो ये जो दोस्तों फाइल है S9, यानी ये क्या लिखा हुआ S9, तो ये वाली फाइल हमारे फोन के अंदर पड़ी हुई है और हमें जो फोन फाइल चाहिए यही वाली फाइल हमें चाहिए। ये वाली आपकी काम, ये वाली फाइल आपकी वर्क कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा है U9, इसका बाइंडिंग क्या U9, ये भी आपकी फाइल काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका भी सेम बाइंडिंग दोस्तों। ये वाली फाइल आपकी दोस्तों भी काम कर जाएगी, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है, ये फाइल आपकी काम दोस्तों कर जाएगी। अगर बात करें दोस्तों थोड़ी सी ऊपर आते हैं, देखिए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है S9, ये लिखा है U9, ये लिखा है S9, ये लिखा है S9, ये लिखा है S9, ये भी लिखा है S9। दोस्तों जितनी फाइल्स आपकी हैं वो S9 की फाइल्स हैं, तो ये दोस्तों सारी फाइल आपकी वर्क कर जाएगी। दोस्तों हमें क्या करना है, क्या हमें ये फाइल डाउनलोड करनी है, हमें सिर्फ ये यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और जैसे दोस्तों हम यहाँ पर डबल टैप करते हैं आप नीचे जाते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ लिंक खुल जाती है, आप चाहे यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, जब मर्जी हो आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर सर्वर पर क्लिक किया, थोड़ा सा जस्ट वेट करते हैं, और वेट करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ मेरी यहाँ आ गया डाउनलोड 13 बॉक्स सर्वर, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे एक बार, और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपकी फ्लैश फाइल दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल दोस्तों मैंने इस फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लिया है, तो हम इस फ्लैश फाइल को हम फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूँ। दोस्तों आपको पता हो गया कि हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड कैसे करनी है, जस्ट फिर से मैं आपको फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रोम पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों SAMFW, यहाँ आपको टाइप करना है SAMFW आप टाइप करेंगे, ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी, यहाँ से किसी भी सैमसंग की स्टॉक रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें ये क्या चाहिए, अब मैं दो चीज आपको क्लियर कर ली, एक फाइल डाउनलोड कैसे करते हैं, सही फाइल डाउनलोड कैसे करना है, और दोस्तों सेकेंड हमने बात कर ली, हमें चाहिए ड्राइवर चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, अब तीसरा हमें चाहिए दोस्तों ओडिन टूल, क्या चाहिए दोस्तों ओडिन टूल, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ओडिन टूल आपको मिल जाता है, यहाँ पे यहाँ से आप अगर हम यहाँ पे जाते अदर जाते हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ओडिन टूल, यहाँ से आप ओडिन टूल डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम दोस्तों, बहुत बेटर है, यहाँ से आप ओडिन 3.14.4 जो भी आपको टूल चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिखा ओरिजिनल लिखा है, इज द बेस्ट है, आपको ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं ओरिजिनल 3.3। देखो दोस्तों मैंने आपको डाउनलोड कर लिया ओडिन टूल, मैं आपको डाउनलोड कर दिखाता हूँ, ये मैं टूल डाउनलोड कर रहा हूँ और फ्लैश फाइल मेरी डाउनलोड पहले से ही हो रखी है। तो हमें दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक्सिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों आप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो देखना है, तो हमने ओडिन टूल को दिस पीसी जाते दोस्तों यहाँ पर, और दिस पीसी जाने के बाद दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड करने जाते हैं। अब हमने क्या डाउनलोड किया, ओडिन टूल, देखिए दोस्तों इसे हम राइट क्लिक करते हैं ओडिन टूल को, और यहां पर लिखा है एक्सट्रैक्ट, हियर पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका आ गया टूल, ओडिन टूल आ गया 3.3, यहां पर डबल टैप करते हैं और दोस्तों आपका ये हमारा टूल ओडिन टूल ओपन हो जाता है, ओडिन टूल हमारा दोस्तों ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ओडिन टूल को ओपन कर लिया, मिनिमाइज करते हैं। अब क्या दोस्तों है, फ्लैश फाइल है, मैंने फ्लैश फाइल को भी डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर, एक काम करते दोस्तों यहाँ पर आपकी फ्लैश फाइल है ये SAMFW A55, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं और मैं डेस्कटॉप पे इसको फाइल को ओके कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप पर हमारी इसकी फ्लैश फाइल आ जाएगी दोस्तों, अभी देखना यहाँ पर आपकी AP फाइल आनी इसकी स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर 4 फाइल्स आती हैं, AP फाइल आती है, BL फाइल आपकी आती है, CP फाइल आपकी आती है और CC फाइल्स आती है, 4 फाइल्स आती है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि हमारी अभी ये मेरी फाइल क्या हो रही है, अनजिप हो रही है। तो हम फाइल को अनजिप कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया अभी, मेरी फाइल अनजिप हो रही है दोस्तों। प्लीज वीडियो को आपको पूरा देखना है, अगर आपको समझना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आप प्रॉपर तरीके से हम सैमसंग के किसी भी एंड्रॉयड फोन को हम
फ्लैश कर पाएंगे। अगर आप वीडियो प्रॉपर नहीं देखते हैं तो आप फोन को फ्लैश नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा टूल्स ओपन हो गया, ओल्ड टूल मेरा ओपन हो गया है। अब दोस्तों करना क्या है, अब देखिए दोस्तों मेरी फाइल अनजिप हो रही है, इस फाइल को अनजिप होने देते हैं। अब करना क्या दोस्तों, फोन को डाउनलोड मोड पर करना है कनेक्ट, यानी कि हमें दोस्तों क्या क्या करना है। फिलहाल हम फोन को यहाँ पर एक स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों स्विच ऑफ पावर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पावर ऑफ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों करना क्या है, आपको दोनों बटन दबानी है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों की को एक साथ बटन दबाना है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, यानी कि प्लस और माइनस पावर को प्रेस नहीं करना है, ओनली फॉर वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस। फिर से देखना प्लस और माइनस एंड कनेक्ट यूएसबी केबल। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका मैसेज आ जाएगा फोन के अंदर, ये कह रहा है एक कस्टम ओएस कैन केसेस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इन फोन एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन। मैं आपको बताता हूं हिंदी में, ये कह रहा है अगर फोन में कस्टम ओएस या सॉफ्टवेयर की कोई भी प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम अप बटन दबाइए, अदरवाइज वॉल्यूम डाउन टू कैंसिल एंड रिस्टार्ट। तो हमें फोन को फ्लैश करना है या सॉफ्टवेयर डालना है तो हमें वॉल्यूम अप बटन दबाते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपका फोन आ गया है डाउनलोड मोड पर, ये फोन आपका दोस्तों आ गया है डाउनलोड मोड पर आ गया है। अब करना क्या दोस्तों, डाटा केबल से हमने फोन को कंप्यूटर कर दिया अटैच। अभी दोस्तों मेरी फाइल अनजिप हो रही है, 52% हुई है, क्योंकि दोस्तों फाइल बहुत बड़ी होती है, करीब 5 से 6 GB दोस्तों फाइल होती है। तो दोस्तों करना क्या है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप फोन करें कनेक्ट तो फोन दोस्तों आपका एक पोर्ट बनाएगा, क्या बनाएंगे पोर्ट बनेगा, चेक करते हैं पोर्ट हमारा क्या बनता है, हमारा जो पोर्ट बनता है हम चेक करते डिवाइस मेजर, यहाँ डबल टैप करते हैं डिवाइस मेजर, डबल टैप करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये इसको हो रहा था, मेरा एक्चुअली पोर्ट नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्योंकि अननोन डिवाइस आ रहा है, बट आपको पोर्ट बनाना है और फोन को करना है दोस्तों डाउनलोड पर करना है, इस पर डाउनलोड पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये फोन आपका डाउनलोड पर कनेक्ट है और यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका मॉडल नंबर आ रहा है और दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, FRP लॉक ऑफ, यानी इसमें कोई भी लॉक नहीं लगा है, जीमेल अकाउंट नहीं मांग, फ्लैशिंग के बाद जीमेल अकाउंट नहीं मांगता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम क्या लिखा, B9K9S9, ये है फोन का बाइनरी वर्जन। दोस्तों करना क्या है, अब दोस्तों करना क्या आपको, हमारा टूल ओपन करना, ऑडिट टूल ओपन करना है, यहाँ पर आपको जाना है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो हमारी फ्लैश फाइल आती है, जो हमारी फ्लैश फाइल आती है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ पोर्ट बनता कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर लिख के आ जाएगा मॉडर्न, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पोर्ट लिख के आ जाएगा मॉडर्न। अब दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है, जब आपका पोर्ट बनता है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मॉडर्न, मॉडर्न के अंदर आपका सैमसंग मोबाइल USB मॉडर्न का आपका दोस्तों पोर्ट बन जाता है, तो आपका मोबाइल सैमसंग का कनेक्ट हो जाता है। मेरा पोर्ट दोस्तों कुछ जैक की प्रॉब्लम है इसलिए पोर्ट ये नहीं बन रहा है। तो दोस्तों करना कैसे है, अब यहां पर जाना आपको, देखिए अब करना क्या आपको दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, आपको टूल ओपन करना है, मैं आपको एक बार फ्लैश फाइल दिखा दे रहा हूं इसकी। देखिए दोस्तों ये जो फ्लैश फाइल आपकी, एक आपकी ये फाइल आपकी रही होम CAC, एक आपकी ये फ्लैश फाइल है और आपका एक ये दोस्तों, यानी एक दो और तीन और चार पांच फाइल दोस्तों इसके अंदर आ रही है। अब दोस्तों करना क्या, आपको टूल ओपन करना है, टूल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका दोस्तों बनता है पोर्ट, क्या बनता है दोस्तों यहाँ पर आपका पोर्ट बनता है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क। ठीक दोस्तों नंबर एक काम क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपका पोर्ट बन जाता है, जो आपका पोर्ट शो करता है वो पोर्ट आपका यहाँ पर शो कर देता है। नंबर दोस्तों करना क्या है, नंबर एक आपको BL फाइल लेनी है, नंबर दो आपको AV फाइल लेनी है, नंबर तीन आपको CP लेनी है, नंबर चार आपको दोस्तों CC फाइल, ये फाइल ये फाइल ये फाइल ये फाइल आपको लेनी है और आपका फोन उसके बाद फोन को हम फ्लैश करते हैं। ठीक है दोस्तों करना कैसे है, तो क्लिक करना दोस्तों BL पर जाना आपको, और आपको दिस PC यानी कि आपको डेस्कटॉप पर जाना है
देखो यहाँ पर आप दोस्तों आ रहे हैं बीएल, ध्यान देना आपको यहाँ पर सिर्फ बीएल ही फाइल लेनी है आपको, बीएल पर क्लिक करना है। ये दोस्तों आपकी फाइल होती है, वो फाइल होती है आपकी बूट लोडर फाइल, इसको बोलते हैं बूट लोडर, जो फोन को फर्स्ट बूट कराती है डाउनलोड मोड पर फोन को फ्लैश करने के लिए, इसको बोलते हैं बीएल फाइल। आप सीसी पर क्लिक करिएगा तो दोस्तों ये लिखा है सीसी, तो सीसी में आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, सीसी में होम सीसी या सीसी फाइल ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ क्लिक करना है आपको सीपी, तो आपको यहाँ पे जाना है सीपी पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करना एपी पर, ये हमने फाइल दोस्तों बाद में इसलिए ली क्योंकि एपी फाइल सबसे बड़ी फाइल होती है और ये फाइल काफी टाइम बाद लोड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है एपी, क्लिक करना है एपी पर और ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है जब बच्चे फोन फ्लैश करते हैं तो एपी फाइल पर डबल टैप करते हैं तो सिस्टम हैंग कर जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आपको क्या करना है सिंगल, जब भी आपको क्लिक करना है एपी पर तो एपी फाइल लीजिए, क्लिक करना बीएल पर तो बीएल लीजिए, क्लिक करना सीपी पर सी फाइल। ये दोस्तों चार फाइल आती है आपकी, बीएल एपी सीपी और सीसी फाइल, चार आती है फाइल आपकी फोन को फ्लैश करने की। और दोस्तों इस बार क्या करना है आपको स्टार्ट करना है, तो आपको मार्क यहाँ पर दोस्तों नंबर एक आपका यहाँ पे दोस्तों पोर्ट शो करता है, यहाँ पर क्या शो करता है आपका पोर्ट शो करता है। नंबर दो आपका ये आपको फ्लैश फाइल लेनी है और फिर दोस्तों आप क्या करना है आपको स्टार्ट करना है। नंबर एक पोर्ट आपको बनता है यहाँ पे, नंबर दो काम आपको फ्लैश लेनी, नंबर तीन आपको फोन को दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। अब करना कैसे दोस्तों, वही तरीका है मैं आपको बेटर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे करना है, बस आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। और जो स्टूडेंट जो ऑप्शन होते हैं रीसेट का ऑप्शन होता है दोस्तों फाइल को हटाने के लिए, और एग्जिट का होता है ऑप्शन दोस्तों टूल को एग्जिट करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क पर। अब दोस्तों फ्लैशिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा एक मेथड मैं आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नंबर एक फ्लैशिंग मेथड कैसे करनी है, फ्लैशिंग करने का तरीका, नंबर एक दोस्तों क्या करना है कनेक्ट फोन डाउनलोड मोड लाना कैसे दोस्तों, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस से, ठीक है दोस्तों। नंबर दो ओपन ओडिन टूल दोस्तों, ये वाला टूल आपको ओपन कर देना है, ये वाला टूल आपको ओपन कर देना है। नंबर दो क्या करना है, सेलेक्ट बीएल एपी सीपी एंड सीएसी, ये आपको बीएल पर आपको बीएल फाइल लेनी है, एपी पर आप दोस्तों आपको एपी लेनी है, सीपी पर आपको सीपी लेनी है और सीसी पर आपको सीसी फाइल लेनी है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको स्टार्ट, क्या करना दोस्तों आपको स्टार्ट करना है। इस प्रकार से आपका दोस्तों जो प्रोसेस रहेगा वो फ्लैशिंग बाद से आपका दोस्तों डन हो जाता है, क्या हो जाता है प्रोसेस आपका डन हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी आपके सैमसंग के मोबाइल आते हैं उनको हम फ्लैश कर सकते हैं। अब दोस्तों फ्लैशिंग बाद क्या मांगता है, एफआरपी क्या मांगता है, जीमेल अकाउंट मांगता है, क्योंकि फ्लैश से फोन आपका जीमेल अकाउंट बाईपास नहीं होता है। तो जीमेल अकाउंट बाईपास कैसे करते हैं, बहुत सी वीडियो मैंने बना रखी है पहले भी मेरे, आप चैनल पर जाइए और उनको वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है दोस्तों, अगर आपको सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो मेरे नंबर दोस्तों दिए होते हैं, आप उन पर कॉल करिएगा। वैसे अगर आप नीचे नहीं देख पाए तो मैं आपको बताता हूँ 93 19 611 711 इस पर कॉल करिएगा दोस्तों, आपको सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर से हो चाहे वो हार्डवेयर से हो। अगर दोस्तों इससे भी अच्छा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, कोचिंग आ सकते हैं, आगरा में है साहा मार्केट में, एमजी रोड पर साहा मार्केट है, तो यहीं पर मेरा कोचिंग है। और इस कोचिंग में आपको वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, चाहे वो रहने के लिए हो चाहे खाने के लिए हो, प्लस आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप टेस्ट रखिए, मेरा नाम विनय है, आप टेस्ट रखिए मेरा और आप एक बार आइए। और अगर आप सॉफ्टवेयर से संबंधित या हार्डवेयर से संबंधित या लैपटॉप एलसीडी कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप आइए। जो मोबाइल पिन कोर्स होता है दोस्तों वो कोर्स आपका 45 दिन का रहता है, लैपटॉप कोर्स आपका 3 से 4 दिन कोर्स रहता है, एलसीडी कोर्स आपका करीब 30 से 40 दिन का एलसीडी कोर्स रहता है आपका। दोस्तों दिए नंबर पर आप दोस्तों कॉल करिएगा और इसमें आपको दोस्तों आप विजिट करिएगा, इंक्वायरी लीजिएगा, आप डेमो क्लास 2 डेज की डेमो क्लास फ्री है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से हो चाहे वो हार्डवेयर से हो। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी
अगर कोई प्रॉब्लम्स है या आप अभी भी फोन को आप फ्लैश नहीं कर पा रहे, रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो आप प्लीज मुझे जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज मैंने वीडियो अच्छी बनाई है गलत बनाई है आप प्लीज कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना।